69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक नया रुख सामने आया है। सीएम योगी ने 31,661 पदों पर भर्ती के आदेश दे दिए हैं। यह लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। चलिए उसका आदेश हम दिखाते हैं, क्या आदेश आया है। पत्र सूचना अभी आई है 19 सितंबर को, सिर्फ एक दो मिनट पहले सूचना व जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है कि मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश आपको पढ़कर सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। यह जानकारी आज देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को TET की परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को निर्गत शासनादेश द्वारा TTE परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किया गया था। इस शासनादेश के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं आयोजित की गई थी। मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया। विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198/2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। अतः मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए। तो फिलहाल ये लेटेस्ट खबर है, एक सप्ताह के अंदर आपकी भर्ती होनी है अगर आप उन्हें 31,661 कैंडिडेट्स में हैं। एक बात और आपको बता दें कि जो ये भर्ती शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है, ई रीवैल्यूएशन मतलब पुनः जो चेक करके रिजल्ट आया वो नया रिजल्ट आ गया है, आप जाके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, में से संबंधित खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।